जनाब, आखिरकार आज आपने हमें याद कर ही लिया। मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप मुझे फिर याद दिलाएं, तो आपको डिनर पे ले जाना चाहिए। आज सूरज किस तरफ से निकला था? शायद मगरिब से। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सूरज मगरिब से निकलने का मतलब है कि कयामत सर पर है। इससे पहले कि कयामत हो, डिनर कर लिया जाए। अच्छा ख्याल है। मैं भी चाहती हूँ कि कयामत से पहले पहले सारे उधार उतार लूँ। वाह भाई वाह, आज तो आप बहुत अच्छे मूड में हैं। वैसे ये मुलाकात यादगार रहेगी। अच्छा, सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा मूड नहीं है, और अगर सब कुछ फोन पे बता दिया तो मुलाकात का मकसद ही फौत हो जाएगा। इकबाल, हुँ? जरा पता तो कर तेरे भाई कहाँ रह गए। अरे भाभी, यहीं कहीं होंगे, दोस्तों के पास बैठ गए होंगे। तो बता देते, तू कॉल कर उन्हें। भाभी, इस तरह छोटी छोटी सी बातों में परेशान नहीं हुआ करते। आपकी मतलूबा नंबर सिर्फ। सेल ऑफ है। चल तू उठ, फिर जा पता कर कहाँ रह गए हैं वो। आखिर अभी तक आए क्यों नहीं? उठ जा शाबाश। अरे नहीं भाभी, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, किसी सहेली के साथ मसरूफ होंगे। बकवास न कर, अपनी तरह का आवारा समझा है क्या उन्हें? ठीक कहा भाभी, बिल्कुल ठीक। उठ जा शाबाश, चल अच्छा जा रहा हूं ना जा, जा। भाभी जा, जाकर देख कर आ और पता कर कहाँ रह गए आखिर। थैंक यू सो मच के आपने अपना वादा निभाया। अब आपको ज्यादा फॉर्मल बातें नहीं कर रहे। चलिए इनफॉर्मल गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी मुलाकात का मकसद बताइए। आपने कहा था ना, बहुत जल्दी है क्या आपको? नहीं तो दरअसल मुझे खामोशी से उकताहट होने लगती है। इतनी देर से आप बात नहीं कर रही तो मैंने सोचा मैं ही कोई मौजू छेड़ दूं। अगर मैं आपको अपना वकील बनाऊं तो क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? आपको किसने कहा कि मैं वकालत करता हूं? वकील ही इतनी बातें कर रहे हैं। अब आप मजाक में मेरी बात तो टाल रहे हैं ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए कि आपका केस क्या है? आपसे मामा ने इकबाल के बारे में कोई जिक्र किया था? दरअसल वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, इकबाल। अच्छा, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वी लव ईच अदर। मगर मामा कोई बात पसंद नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं पसंद? यही तो असल सवाल है मेरा, मगर उन्हें कौन समझाए? क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? मेरी बात वो क्यों समझेंगे? और क्या मैं उन्हें बता दूं कि आपने मुझसे ये बात शेयर की है? हाँ क्यों नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ। इस तरह वो मान जाएंगे? कहते हैं कि अगर वकील अच्छा हो तो कमजोर केस में भी जान डाल देता है। और मम्मी जितनी आपकी तारीफ करती है ना, वो आपको कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगी। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अगर आपकी मम्मी ने मुझे भी इनकार कर दिया तो आपकी नजर में मेरी वकालत का क्या भरम रह जाएगा? आप दिल से मेरा केस लड़े, हार भी गए ना,
भले आपकी वकालत का ना सही, लेकिन आपकी दोस्ती का तो भरम रह जाएगा ना। ठीक है, मैं आपकी दोस्ती का भरम रखने के लिए ये मुकदमा लड़ने को तैयार। थैंक यू सो मच। क्या बात है इकबाल, तेरे भाई कहाँ है? तुझे क्या हुआ है? क्या हुआ तुझे? तेरे भाई कहाँ है? क्या हुआ बता ना, कहाँ है? हाँ हाँ बस घर से निकल गई हूँ, आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी। ओके ओके चलो ठीक है, आती हूँ। ओके, कहाँ की तैयारी है? वो इकबाल के भाई का सोया मैं आज। आज सोयम, फिर जुमेरात, फिर चालीसवां और फिर बरसी। मामा बरसों से ये रस्में निभाई जा रही हैं। सारी कड़वाहट निकल जाएगी जब हकीकत से वास्ता पड़ेगा। आपको मेरी फिक्र ज्यादा अपनी अना की। अना क्या हुआ, क्या हुआ बेटा आलिया? कुछ नहीं बाबा, बस माँ और बेटी मिलकर किसी से प्यार का इजहार कर रही थी। लाफिस। बहुत खुदसर हो गई है, मेरे मना करने के बावजूद इकबाल के घर गई है। अरे तो क्या हुआ, वो उसका क्लास फेलो है और उसके भाई की अभी डेथ भी तो हुई है ना। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों बाप बेटी एक जैसे। ये लो जवानी में बेवा हो गई। हाय हालत तो देखो। अल्लाह सबका सुहाग सलामत रखे, कैसी मुश्किल में है बेचारी। मैं तो सोच रही हूँ ये इद्दत कैसे गुजारेगी। मतलब? मतलब ये कि जवान जहाँ देवन है घर में, ना महरम है। शहनाज की खाला आ गई है ना, वो रुकेंगी ना उसके पास। शरई मसला है, ये तो मुफ्ती ही बता सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ना महरम को घर में नहीं होना चाहिए। इकबाल, इकबाल, भाभी, भाभी प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, संभाले खुद को। रोने दो इन्हें उस्मान, जितना रोती हैं रोने दो, मेरे तो आंसू भी नहीं निकल रहे। बाप की तरह भाई खोया मैंने।
सर से छत उठ गई है मेरे। किसके मैं किसके कांधे पे सर रख कर रहूं? किसके बेटा इतना नहीं रोते, मरने वाले को बहुत तकलीफ होती है। कितने घटिया लोग हैं, इस किस्म के मौके पे भी ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती ना इन लोगों को? ऐसे मौकों पे ही लोगों की असलियत खुलती है। तुम लोग ऐसा बात नहीं कर सकते, सब बाहर बैठे हैं, कोई सुन लेगा तो? सुनते हैं तो सुन ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन लोगों को शर्म और हया नहीं है तो फिर हम क्यों चुप रहे? क्या हुआ उसमें, किसकी बात हो रही? आज कुछ खवातीन आई थी जो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी और उज़मा को गुस्सा आ गया उन पे। कैसी बात है? छोड़ो एक बार, दूसरों की बातों में कान लगाने की जरूरत क्या है हमें? मैं उज़मा को भी यही समझा रही थी। फिर भी पता तो चले बात क्या है। इकबाल तुम मुझे एक बात बताओ, क्या भाभी यहाँ पे इद्दत नहीं गुजार सकती? यहाँ नहीं गुजारेंगे तो फिर कहाँ गुजारेंगे? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? क्या बताऊँ तुम्हें, ये जो खवातीन आई हुई है ना बाहर, ये यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रही है बैठकर। कौन समझा इन्हें? मुझे बता सकती हो किसने की है ये बात? पहल क्या फायदा, किस किस से लड़ोगे और किस किस की जबान को रोकोगे? ऐसे सवाल तो उठते ही हैं बेटा, लड़ने के बजाय इसका कोई हल सोचो। कैसा हल, क्या करूं मैं, घर छोड़ के चला जाऊं, फिर भाभी का ख्याल कौन रखेगा? आप माफ कीजिएगा, ये तीनों मेरी क्लास फेलो हैं, आलिया, उज़्मा और इफ़त, और ये शहनाज भाभी की खाला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ। इकबाल मैंने सोचा है कि शहनाज को अपने साथ अपने घर ले जाऊं। क्यों, उसमें हर चीज क्या है, और फिर उसकी यहां पर कौन देखभाल करेगा? नहीं आप रुक जाए ना यहां। तो तुम कहां जाओगे? देखो बेटा मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। शहनाज को इद्दत इज्जत से गुजारने दो बेटा। हाँ लेकिन लेकिन इद्दत गुजारने के बाद वो कहाँ जाएंगे? मेरे ख्याल से उन्हें तो यहीं रहना चाहिए, यहीं इसी घर में। ठीक कहते हो तुम, रहना तो उसे यहीं चाहिए और वो रहेगी भी यहीं, मगर हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। ये सारी बातें तुमसे आलिया ने की? जी हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उसने मुझे अपना वकील बनाया हुआ है। और तुम उसकी वकालत करने यहाँ आ गए? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो। तुम कुछ नहीं जानते, वो लोग इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी वहां कर दूं। मैं कोई आलिया की दुश्मन हूँ? वो ऐसा क्यों सोचती है इफ्तिखार? आलिया ने आपके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है, अगर आप कहें तो मैं लड़के के बारे में मालूमात हासिल कर लेता हूँ। भाई अगर आलिया ने इंतखाब किया है तो अच्छा ही होगा।
जब तुमने सोच ही लिया कि वो अच्छा है तो और क्या पता करोगे? अगर मैं पहले से सोच लूं कि वो आदमी अच्छा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करूंगा। गुस्ताखी माँ आप यही कर रही हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? किसी एक मसले को एक ही जावी से देखती रहेंगी तो वो मसला कभी हल नहीं। आलिया इतनी खुद मुख्तार नहीं है कि मेरे फैसले में हायल हो। जबर किसी तरह का भी हो उसका नतीजा तबाही की सूरत में ही निकलता है। तो क्या करूं, झोंक दूं उसे आग में? मैं माँ हूं उसकी, ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैंने तो पहले ही आलिया से कहा था कि मैं उसका मुकदमा नहीं जीत सकता, लेकिन दोस्ती के भरम को बचाने के लिए जो समझा मैंने आपसे कह दिया। अल्लाह हाफिज़। खाना खा लो, तुम्हें बंसोड़ लेके चलता हूँ, रबड़ी खाएंगे। रहने दे बस, जैसे रोज लेके जाते हैं ना। तो रोज रोज की बातों में मजा कहाँ आता है जो कभी कभार में होता है। काम करते हैं ना, खुरम को इकबाल के पास छोड़ देंगे फिर चले चलेंगे। खुरम को क्यों नहीं? तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे का काम है। वैसे भी मुझे लग रहा था कि तुम्हारा मुंह बना हुआ है, घर के काम काज रोजाना एक ही रूटीन, बेजार हो जाती हूँ ना। जी नहीं, मैं घर के कामकाज से बेजार होने वाली नहीं हूँ। आप ऐवे ना अपने अंदाजे लगाया करें। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे रूठी हुई हो, या फिर तुम्हें यह एहसास होता है कि माँ बाप ने गरीब के पल्ले बांध दिया है जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है, कोई सुख नहीं है। कभी मैंने की है ऐसी बात बिला वजह? आप सलामत हैं ना तो मैं अमीर हूं। गरीब तो वो होता है जिसका प्यार करने वाला उसके साथ ना हो। सोने का दिल है तुम्हारा, मेरी अल्लाह से दुआ कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह अमीर रहूं, मरते दम तक भी हम दोनों का साथ एक दूसरे से ना छूटे। दिल की बात हम जान ले, जो कहे वो मान ले। नहीं।